आज हम बनाएंगे तिल की बर्फी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में हमने दूध ऐड किया है। आज लोहड़ी है, कल मकर संक्रांति है। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई त्यौहार आता है। तो ये 1.5 kg दूध है, 3 पैकेट के आसपास दूध है ये, वो ऐड किया है हमने। इसे हमें गाढ़ा करने तक अच्छी तरह चलाते रहना है। जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, ऐसे साइड करके हमने एक सेम पैन लिया है, उसमें ऐड किए हैं तेल। स्लो फ्लेम पे इनको हल्का सा रोस्ट करना है। निकाल लेना है। रोस्ट हो चुके हैं हमारे तिल, देखिए। सेम पैन में 1 चम्मच घी लिया है, वो ऐड किया है हमने। इसमें ऐड करना है हमें हमारे मखाने, हल्के से रोस्ट करना है इनको भी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए वीडियो कैसी लगी। फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करना प्लीज़। देखिए हमारे ये मखाने रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेना है। हमने एक लिया है मिक्सी जार, उसमें हमें इनको सबको पीस लेना है। तिल ऐड किए हैं 1 कटोरी, उनको पीस लिया है हमने कुछ इस तरह। देखिए हमारे मखाने हैं, इन्हें भी पीसना है। काजू है, इनका भी पेस्ट बनाना है, हमें पाउडर बना लेना है कुछ इस तरह। देखिए बादाम, सेम प्रोसेस। देखिए दूध हमारा हल्का गाढ़ा होने लगा है। देखिए इसमें ऐड करना है हमें ये 4 से 5 इलायची हैं, हरी इलायची कूट के इनको ऐड किया है। गाढ़ा हो चुका है देखिए दूध हमारा। इसमें ऐड करना है हमें हमारी चीनी। अब 1 कटोरी, 1 से 1.5 कटोरी चीनी ऐड की है। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ऐड किया है हमने जो मखाने का पाउडर बनाया था, वो ये तिल का पाउडर है, काजू का पाउडर है, ये बादाम पाउडर है, ये है साबुत तिल जो हमने 1 कटोरी बजाए थे, इन्हें भी ऐड किया है। इस प्रोसेस पे हमें फ्लेम एकदम मीडियम स्लो ही रखनी है। अच्छी तरह से चलाते हुए इनको अच्छी तरह पकाना है, चलाते रहना है, ये तो नीचे लग जाएगा। ये दो चम्मच हमने इसमें देसी घी ऐड किया है। अच्छी तरह चलाते हुए पकाना है इसे। जब तक हमारी बर्फी की कंसिस्टेंसी हमें नहीं मिल जाती, कुछ हल्का सा और पकाना है। हमारी बर्फी के लिए अब देखिए एकदम रेडी हमारा बैटर बनके। इसे हमें एक ट्रे में निकाल लेना है। ट्रे में हल्का सा घी हमने पहले से ही लगाया हुआ था, उसमें निकाला है ये।
से 2 से 2.5 घंटे के लिए हमें ठंडा होने रख देना है। फ्रिज में ज़रूरत नहीं है, भारी ठंडा हो जाएगा। हमारी बर्फी ठंडी हो चुकी है, देखिए इसके पीसेस कट करने हैं हमें। बहुत ही जल्दी और बहुत ही हेल्दी हमारी तिल की बर्फी बन के रेडी हो जाती है घर पे, तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए एकदम सॉफ्ट एंड बहुत ही टेस्टी बर्फी बन के रेडी है। हैप्पी लोहरी एंड मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।